मारवाड़ी मिड्डी आप देख रहे हैं। आज है 24 नवंबर 2023 शुक्रवार का दिन और हिंदू तिथि के अनुसार कार्तिक माह की द्वादशी तिथि है। नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पर। शुरुआत करते हैं सबसे बड़ी और अच्छी खबर के साथ। उत्तराखंड के उत्तरकाशी टनल में 41 जिंदगियों को बचाने की कोशिश अब आखिरी फेज में है। दरअसल आपको बता दूं, मजदूर 12 नवंबर से एक टनल में फंसे हैं। अच्छी बात यह है कि सभी मजदूर अभी सुरंग में सुरक्षित है और अब कुछ ही मीटर की खुदाई बची है, उसके बाद 41 मजदूरों को निकाल लिया जाएगा। आगे बढ़ते हैं देश की एक और बड़ी खबर। पश्चिमी बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा है कि अगर वर्ल्ड कप का फाइनल कोलकाता में होता तो टीम इंडिया जीत जाती। भारतीय क्रिकेट टीम ने विश्व कप में सभी मैच जीते सिवाय एक मैच के, जिसमें पापी मौजूद थे। ममता यही नहीं रुकी, उन्होंने टीम इंडिया की जर्सी को लेकर भी भाजपा पर निशाना साधा। ममता बोली, भगवा त्यागियों का रंग है लेकिन तुम लोग भोगी हो। ममता ने गुरुवार को कोलकाता के नेताजी इंडोर स्टेडियम में पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच कहा कि देश की क्रिकेट टीम का भगवाकरण करने की कोशिश की जा रही है। ममता ने दावा किया कि टीम इंडिया के खिलाड़ियों ने भगवा जर्सी का विरोध किया, तभी उन्होंने मैच में भगवा नहीं बल्कि नीली जर्सी पहनी थी। बहरहाल आगे बढ़ते हैं एक और बड़ी खबर। शॉर्ट वीडियो और इमेज शेयरिंग प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम ने दुनिया भर के सभी यूजर्स के लिए रील्स डाउनलोड फीचर रोल आउट करना शुरू कर दिया है। यानी कि अब आप इंस्टाग्राम से रील्स डाउनलोड कर पाएंगे बिना किसी थर्ड पार्टी ऐप के। दरअसल 5 महीने पहले कंपनी ने इस फीचर को केवल अमेरिका में रोल आउट किया था, जो अब भारत सहित अन्य देश में भी जल्द अवेलेबल हो जाएगा। यानी कि इंस्टाग्राम वाली रील्स अब आप आसानी से अपने फोन में डाउनलोड कर पाएंगे। आगे बढ़ते हैं राजस्थान से बड़ी खबर। चुनाव प्रचार के आखिरी दिन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दावा किया है कि राजस्थान में अगली सरकार भारतीय जनता पार्टी की बन रही है। वहीं सरकारी कर्मचारियों के बीच देश भर में प्रचलित मुद्दे ओल्ड पेंशन स्कीम पर उन्होंने कहा कि ओपीएस को लेकर हमने एक कमेटी बनाई है। वहीं धर्म के नाम पर आरक्षण के सवाल पर उन्होंने कहा कि यह असंवैधानिक है और नहीं हो सकता, भाजपा इसका कड़ा विरोध करती है। जातिगत जनगणना की बात राहुल गांधी को करनी ही नहीं चाहिए। आगे बढ़ेंगे एक और बड़ी खबर। राजस्थान में चुनाव प्रचार के अंतिम दिन पीएम नरेंद्र मोदी ने राजसमंद के देवगढ़ में जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा, जब से मैंने मर्दों का परदेश वाला बयान सुना हूं, मैं अपना गुस्सा काबू नहीं कर पा रहा हूं। राजस्थान में गुर्जरों का जितना अपमान कांग्रेस ने किया है वह किसी ने नहीं किया। राजेश पायलट के बेटे के लिए गद्दार, नकारा, निकम्मा जैसे शब्द उपयोग किए गए। सभा को संबोधित करते हुए मोदी भावुक भी हो गए। उन्होंने भाजपा के स्थानीय कार्यकर्ता धर्मचंद देरासिया का नाम लेते हुए कहा, 60 साल भाजपा के लिए खपाने वाले देरासिया कार्यकर्ता के रूप में बैठे हैं। राजस्थान से एक और बड़ी खबर। डीडवाना से निर्दलीय प्रत्याशी यूनुस खान के बेटे महमूद खान को इनकम टैक्स विभाग ने नोटिस जारी किया है। यूनुस खान भाजपा सरकार में पूर्व मंत्री रह चुके हैं। टिकट न मिलने के बाद उन्होंने पार्टी से बगावत कर दी थी। अब यूनुस खान के बेटे को ईडी ने नोटिस दिया है। अच्छा, बड़ी खबर आपको दे दूं, राजस्थान में विधानसभा चुनाव का प्रचार गुरुवार शाम 6 बजे थम गया है। 6 बजे से पहले प्रदेश भर में सभी पार्टियों के रोड शो चलते रहे। भाजपा और कांग्रेस समेत अन्य पार्टियों के नेताओं ने आखिरी समय तक पूरी ताकत झोंक दी, लेकिन अब सभी पार्टियों के नेता चुनाव प्रचार और सभाएं नहीं कर सकते। 25 नवंबर को चुनाव है। राजस्थान में चुनाव 199 सीट पर ही होंगे, क्योंकि करणपुर विधानसभा सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी गुरमीत सिंह कुन्नर के निधन के कारण वहां चुनाव टाल दिया है। वहीं देखिए बड़ी खबर। विधानसभा चुनाव के प्रचार के अंतिम दिन सीएम अशोक गहलोत ने जोधपुर में 4 सभा की। 6 बजने से 7 मिनट पहले ही सीएम गहलोत ने भाषण रोक दिया और घर की तरफ निकल गए। आगे बढ़ेंगे लेकिन उससे पहले मौसम से जुड़ी बड़ी खबर है। पूरे उत्तर भारत में अच्छी खासी सर्दी का दौर शुरू हो गया है, लेकिन इससे भी बड़ी खबर ये है, एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहा है जिसकी वजह से पहाड़ों में बर्फबारी होगी और राजस्थान और हरियाणा के कई जिलों में बारिश के साथ ओले गिरने की भी संभावना है। राजस्थान के जोधपुर और उदयपुर संभाग के जिलों में 25 नवंबर को रात के समय कहीं कहीं पर बारिश शुरू होने की संभावना है। 26 नवंबर को जोधपुर, उदयपुर, अजमेर और कोटा के साथ जयपुर संभाग के भी कुछ भागों में
मेघ गर्जन के साथ बारिश होने और एक दो स्थानों पर ओलावृष्टि होने की भी संभावना है। एक और बड़ी खबर देखिए, अगले महीने यानी दिसंबर में देश के अलग अलग हिस्सों में बैंकों में 18 दिन कामकाज नहीं होगा। दिसंबर में 2 शनिवार और 5 रविवार के चलते टोटल 7 दिन बैंकों में साप्ताहिक छुट्टी रहेगी। इसके अलावा त्योहार के चलते भी अलग अलग हिस्सों में 11 दिन और बैंक बंद रहेंगे और दिसंबर में बैंकों की 6 दिन की हड़ताल भी रहेगी, जिस पर भी बैंक बंद रह सकते हैं। बैंक से जुड़ा अगर आपका कोई काम है तो उसे जल्दी निपटा ले। आगे बढ़ते हैं, बहुत बड़ी खबर, वनडे वर्ल्ड कप फाइनल में मिली हार के बाद आखिरकार भारत ने T20 में ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया है। भारत ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ T20 सीरीज के पहले मुकाबले में 2 विकेट से जीत हासिल की। पहले बल्लेबाजी करते हुए ऑस्ट्रेलिया ने 20 ओवर में 3 विकेट पर 208 रन बनाए। वहीं टीम इंडिया ने 209 रन का टारगेट 20वें ओवर की आखिरी बॉल पर 8 विकेट खोकर हासिल कर लिया। यह मैच भारत का T20 में कंगारुओं के खिलाफ सबसे बड़ा रन चेज साबित हुआ। एक और बड़ी खबर, डॉक्टर बनने के लिए अब 12वीं में बायोलॉजी की पढ़ाई जरूरी नहीं होगी। मैथ्स स्ट्रीम के स्टूडेंट भी नीट UG की परीक्षा दे सकेंगे। हालांकि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के 12वीं करने वाले स्टूडेंट को एडिशनल सब्जेक्ट के तौर पर बायोटेक्नोलॉजी की परीक्षा देनी जरूरी होगी। इसके लिए नेशनल मेडिकल काउंसिल ने नई गाइडलाइंस जारी की है। फिलहाल यही थी प्रदेश और देश की आज की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप अपडेट रहे बड़ी खबरों से। धन्यवाद।